вот моя дочь, Наташа. कहानी की शुरुआत में हम एक मार्क नाम के लड़के को देखते हैं, जो पूल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है। वो लड़की भी मार्क की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद वो लड़की मार्क को मना कर देती है। ये सुनकर मार्क वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि उसके अंकल अपनी गर्लफ्रेंड को हम लोगों से मिलवाने के लिए लाने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और पूरे घर को ठीक करते हैं। अब शाम को जब सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे, तो मार्क के अंकल जीना को सभी लोगों से मिलवाते हैं। दरअसल मार्क एक दूसरी शादी कर रहा था और इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड जीना को सभी लोगों से मिलवाने के लिए लाया था। अब खाना खाते समय सभी लोग जीना को देख रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ही छोटे और मॉडर्न कपड़े पहने थे। मार्क भी ये सब कुछ देख रहा था। अब खाना खाने के बाद मार्क अपनी दोस्त से कहता है कि सभी लोग जीना को देख रहे थे, क्योंकि उसने छोटे और मॉडर्न कपड़े पहने थे। तभी वहाँ पर मार्क की मॉम आती है और वो इन लोगों को समझाती है कि जीना जहाँ से आई है, हो सकता है वहाँ पर इसी तरह का कल्चर हो और वहाँ पर छोटे और मॉडर्न कपड़े पहने जाते हो, इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस बात पर मार्क एग्री करता है और अपनी मॉम की बात सुनता है। अगले दिन हम मार्क और उसकी पूरी फैमिली को एयरपोर्ट पर देखते हैं। दरअसल जीना की पहली शादी से उसे एक बेटी है और वही आज वापस लौटकर आने वाली है। इसके बाद हम जीना की बेटी को देखते हैं, जिसका नाम नताशा है। मार्क उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब कुछ टाइम बाद हम मार्क को देखते हैं, जो लोगों को पुड़िया सप्लाई कर रहा था। वो इससे अपना खर्चा चलाता है और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता है। अब कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है और रात को ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नताशा यहाँ पर बोर महसूस कर रही थी। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि तुम नताशा को पूरा घर दिखा दो, जिससे वो बोर महसूस ना करे। इसके बाद मार्क नताशा को पूरा घर दिखाता है और अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर नताशा उससे खुलकर बातें करने लगती है। तभी नताशा मार्क से कहती है कि क्या तुम कभी भी यहाँ पर किसी लड़की को लाए हो। इस पर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजन सिस्टर हो और तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नताशा कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैंने ऐसा काम बहुत बार किया है। इसके बाद नताशा मार्क को अपने साथ संबंध बनाने का ऑफर करती है, मगर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजन सिस्टर हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद नताशा कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। ये सुनकर मार्क कुछ कह नहीं पाता और बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब एक दिन मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि तुम नताशा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उसका इस शहर में कोई भी दोस्त नहीं है और वो सारा दिन अपार्टमेंट में ही रहती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहां जीना उसका वेलकम करती है। जब नताशा को ये बात पता चलती है कि मार्क उसे लेने आया है, तो वो बिना अपनी मॉम को बताए मार्क के साथ चली जाती है। इसके बाद ये दोनों एक लड़के के घर जाते हैं, जिसका नाम रूपस है। दरअसल रूपस वही आदमी है जिसे मार्क पुड़िया सप्लाई करता है। नताशा को देखकर रूपस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में नताशा मार्क से पूछती है क्या रूपस घर में अकेला रहता है। इस पर मार्क बताता है कि वो घर में अकेला रहता है, क्योंकि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसके बाद मार्क नताशा को उसके अपार्टमेंट के नीचे ड्रॉप करने जाता है, जिस पर नताशा कहती है कि मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन नताशा मार्क के घर पर आती है और ये लोग बैठकर काफी बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों साइकिल उठाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान मार्क अपने पुड़िया बेचने का काम भी करता है और उसे ऐसा लग रहा था कि नताशा को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मगर उसे क्या पता था कि नताशा उसकी सोच से भी कहीं आगे थी। एक दिन नताशा मार्क से पूछती है कि तुम ये पुड़िया बेचकर कितना कमा लेते हो। इस पर मार्क नताशा को बताता है कि इससे मेरा गुजारा हो जाता है और पॉकेट मनी के खर्चे के लिए मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद नताशा कहती है कि मैंने कभी भी पुड़िया ट्राई नहीं की है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी चखने दोगे। इस पर मार्क नताशा की बात मान जाता है। अब रात को नताशा मार्क की फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही थी। इसके बाद मार्क और उसकी फैमिली नताशा को उसके घर ड्रॉप करने जाते हैं। अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है, जहां मार्क ने पहले से ही पुड़िया का सारा सामान तैयार करके रखा था। इसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप चेक कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें फेसबुक आईडी लॉगिन करनी है। इस पर मार्क उसे ऐसा करने के लिए हाँ कहता है।
इसके बाद नताशा जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है उसमें एक अडल्ट मूवी चल रही थी। ये देखकर मार्क चौंक जाता है और नताशा को उसे बंद करने को कहता है। अब नताशा उस मूवी को बंद तो कर देती है मगर वो मार्क को अपने कुछ प्राइवेट फोटो दिखाने लगती है जिसे देखकर मार्क का खड़ा हो जाता है और नताशा फिर से मार्क के साथ संबंध बनाने का ऑफर करती है, लेकिन इस बार वो अपने कपड़े खुद ही निकालने लगती है जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और कांड कर बैठते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद नताशा मार्क को बताती है कि उसने ये काम पहले भी कई बार किया है और वो हमेशा ये काम पैसों के लिए किया करती है। एक दिन उसकी दोस्त ने उसकी मॉम को इस बारे में बता दिया जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें सिर्फ उसके पैसों से मतलब था और उसकी मॉम हमेशा उससे पैसे ले लिया करती थी जिसकी वजह से उसने ये काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और मार्क नताशा को पसंद भी करने लगा था, इसी वजह से वो अपने दोस्तों की पार्टी में भी नताशा को ले जाने लगा। ये सब कुछ नताशा को भी काफी पसंद आ रहा था और वो ज्यादातर टाइम मार्क के घर पर ही बिताया करती थी। अब एक दिन नताशा को पता चलता है कि उसके मॉम डैड कहीं बाहर गए हैं, इसलिए आज उसे मार्क के घर पर ही सोना पड़ेगा। अब रात को हम देखते हैं कि नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी के मैसेज भेज रही थी और उसके कुछ देर बाद ही वो मार्क के कमरे में आ जाती है। इसके बाद मार्क से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। इसके बाद ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तभी नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना बहुत पसंद है और काश मैं पूरी जिंदगी अपनी यहाँ पर बिता पाती। इसके बाद मार्क कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। अब बातों बातों में नताशा मार्क को बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, उन्होंने पैसों के लिए ही तुम्हारे अंकल से शादी की है और उनका मेरे रियल डैड से अभी भी अफेयर है। इसके बाद वो बताती है कि जब तुम्हारे अंकल घर से बाहर चले जाते हैं तो मेरी मॉम अपने पहले पति से फोन पर बातें करती हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो किससे बातें कर रही हैं, तो वो बताती हैं कि वो अपनी मॉम से बातें कर रही हैं। अब ये सुनने के बाद मार्क कुछ भी कह नहीं पाता क्योंकि उसे इन सब की कुछ भी समझ नहीं थी। अगले दिन नताशा के मॉम डैड मार्क के घर पर आते हैं और नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं। तभी नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। तभी नताशा की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो नताशा से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती, तुम्हारा मार्क के साथ क्या चल रहा है ये मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद नताशा को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम पर ही अटैक कर देती है। अब सभी लोग मिलकर नताशा और उसकी मॉम को छुड़ाते हैं। ये सब कुछ देखकर मार्क की मॉम को काफी बुरा लगता है और वो नताशा को अपने घर जाने को कहते हैं। इसके बाद मार्क की मॉम कहती है कि नताशा अब कभी भी इस घर में नहीं आएगी। अब कुछ दिनों बाद हम मार्क को देखते हैं जिसे नताशा की काफी याद आ रही थी और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि मार्क भी नताशा से प्यार करने लगा था। अब कुछ दिन तो ऐसे ही कट जाते हैं मगर मार्क अपने आप को नहीं रोक पाता और वो नताशा से मिलने उसके घर जाता है जहाँ नताशा की मॉम जीना उसे बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नताशा का पहले भी कई लोगों के साथ अफेयर रह चुका है। ये सुनकर मार्क वहाँ से वापस आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि मार्क नताशा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। अब एक दिन नताशा मार्क को मिलने के लिए उसे बाहर बुलाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना सारा सामान लेकर आई थी और तभी वो मार्क से कहती है कि वो अपने घर को छोड़कर आई है और एक दूसरे शहर में रहने के लिए जाएगी, वो मार्क को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है और कुछ भी कह नहीं पाता। तभी नताशा कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसने मार्क के अंकल के साथ संबंध बनाए ताकि उसकी मॉम मार्क के अंकल को छोड़ दे क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी मॉम मार्क के अंकल की जिंदगी बर्बाद कर देती। अब ये सुनकर मार्क को नताशा के लिए काफी बुरा लग रहा था और वो उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है जहाँ वो रात भर आराम से सोती है। अगली सुबह मार्क नताशा को अपने कुछ जमा किए हुए पैसे देता है और ये पैसे लेकर नताशा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फैमिली मीटिंग को देखते हैं जहाँ सब लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे मार्क के अंकल ने नताशा की मॉम को छोड़ दिया मगर इन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मार्क भी उन्हें सच्चाई नहीं बताता। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं तभी रूपस मार्क को फोन करता है मगर मार्क रूपस का फोन अटेंड नहीं करता। एक दिन जब मार्क रूपस के घर जाता है तो वो वहाँ नताशा को काम करता हुआ देखकर चौंक जाता है। इस पर रूपस मार्क को बताता है कि मैं यही बताने के लिए तुम्हें फोन कर रहा था मगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। आगे वो बताता है कि नताशा दूसरे शहर जाकर सेफ नहीं रहेगी
जितना सेफ वो इस शहर में है। रूपस मार्क को ये भी बताता है कि नताशा उससे नफरत करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मार्क ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर नताशा आ जाती है और वो गुस्से से मार्क को देखने लगती है। इसके बाद मार्क भी नताशा को अपना गुस्सा दिखाता है और अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को मार्क अपने घर पर होता है और उसे इन सब के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अब अकेला और तन्हा रह गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।